हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बूमिंग शेयर स्टॉक में और एक नए फ्रेश वीडियो में। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करने वाले जो अभी जी हाँ 2 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड करती हुई नजर आ रही है और जो ये कभी हुआ करता था 15 रुपए के आसपास ये शेयर जी हाँ और अभी ये 2 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड करती हुई नजर आ रही है और कंपनी में काफी बुलिश नजर आ रही है एक्सपर्ट को जी हाँ। तो इस शेयर की चर्चा मीडिया में काफी ज्यादा वायरल हो रही है और लाइमलाइट का हिस्सा बना हुआ। तो आप लोग का काफी कमेंट आने के बाद हमने और हमारी टीम ने काफी रिसर्च करने के बाद ये सारी जानकारी आप तक लाने का प्रयास किया। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों अब वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक विनती करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और शेयर बाजार म्यूचुअल फंड से जुड़े हर छोटे मोटे अपडेट की जानकारी रेगुलर प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ ऐसे ही शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड के हर छोटे मोटे अपडेट की जानकारी रेगुलर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास करते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी का नाम और कैसे इसके हाल है जी हाँ, कैसे इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स की रिजर्व शेयर होल्डिंग पैटर्न, सेल्स कर रही है नहीं कर रही है और कंपनी में काफी पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है नहीं दिख रहा है, सिर्फ हवाबाजी बातें हो रही है। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी का नाम और स्क्रीन पे चलते हैं और फुल एनालिसिस करते हैं इस कंपनी का जी हाँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। हम जिस कंपनी के बारे में बात करें उस कंपनी की अगर मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप 173 करोड़ की मार्केट कैप है और करंट प्राइस अभी 2.45 रुपये पे ट्रेड करती हुई नजर आ रही है जी हाँ, जिस टाइम मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। अगर हाई की बात करें तो 3.42 रुपये है, लो इसकी 1.55 रुपये है, अब बुक वैल्यू इसकी 1.63 रुपये है। अगर ROIC पे नजर डाले तो 0.47% की, ROE पे नजर डाले तो 0.78% की है। और दोस्तों इस शेयर का फेस वैल्यू 1 रुपया जी हाँ 1 रुपया। चलिए हम क्वार्टरली रिजल्ट पे देखते हैं, बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की जी हाँ। तो इस कंपनी का जो सेल्स हुआ था 2021 में 15.86 करोड़ की सेल्स कर रही थी और वही देखा जाए तो अभी ये कंपनी जी हाँ 6.90 करोड़ की सेल्स कर रही है और एक्सपेंसेस कंपनी का 6.81 करोड़ की एक्सपेंसेस है कंपनी का। अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 0.02 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है और नेट प्रॉफिट भी 0.01 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है। अगर हम ईयरली बेसिस देखें प्रॉफिट एंड लॉस तो इस कंपनी का सेल्स मार्च 2015 में 0.62 करोड़ की सेल्स कर रही थी जी हाँ, और ये कंपनी अभी 56.35 करोड़ की सेल्स कर रही है और एक्सपेंसेस कंपनी का 57.57 करोड़ की एक्सपेंसेस है। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 1.94 करोड़ के लॉस में चल रही है और नेट प्रॉफिट भी 2.30 करोड़ के लॉस में चल रही है। अगर हम कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखें तो 3 ईयर में -11% है, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो 3 ईयर में -42% की है और स्टॉक प्राइस CAGR 1 ईयर में 50% प्लस है और 3 ईयर में -45% की है। रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर भी 1% है और 3 ईयर में भी 1% की। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो इक्विटी कैपिटल जी हाँ 2015 में 46.46 का इक्विटी कैपिटल था, वही अभी बढ़कर 66.44 की इक्विटी कैपिटल हो गई है जी हाँ। रिजर्व देखें तो 41.59 करोड़ के रिजर्व है, वहीं उधार तो कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उधार है जी हाँ, 698.89 करोड़ का उधार है कंपनी। लाइबिलिटी देखें तो 71.79 करोड़ की लाइबिलिटीज है और एसेट्स की बात करें तो 151.97 करोड़ की एसेट है जी हाँ। तो कंपनी के ऊपर रिजर्व ज़्यादा कुछ खास है नहीं लेकिन उधार बहुत ज़्यादा है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास जी हाँ प्रमोटर ने काफ़ी शेयर होल्डिंग कम कर ली है, 9.87% की शेयर होल्डिंग है और FII की 1.43% की शेयर होल्डिंग है और DII की इसमें 0.28% की शेयर होल्डिंग है, बाकी बची हुई पब्लिक के पास है 88.42% की। तो देखा जाए तो यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी कम कर लिया, इसकी जो मार्च 2022 में 43.02% की शेयर होल्डिंग की वही उन्होंने बेच करके जी हाँ काफ़ी अपने प्रमोटर होल्डिंग को कम कर लिया। दोस्तों हम जिस कंपनी के बारे में बात करें उस कंपनी का नाम एविक्सा लाइफ केयर लिमिटेड है और देखा जाए तो कंपनी का फंडामेंटल जी हाँ कंपनी का फंडामेंटल कुछ ज्यादा खास नजर नहीं आ रहा है। कंपनी के रिजर्व उधार की बात करें तो 698 करोड़ का उधार है, रिजर्व 41 करोड़ का उधार है, सेल्स भी थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई तो दे रहा है लेकिन कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा उधार है। कंपनी
कंपनी कुछ ज़्यादा कमाल भी नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी लाइमलाइट का हिस्सा बना हुआ है। तो हमने सोचा क्यों ना आपको एक अच्छा सा रिसर्च दी जाए और अच्छी जानकारी दी जाए। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो दोस्तों, क्योंकि ये कंपनी को देखने से एनालिस करने से ये पता चल रहा है कि कंपनी कुछ ज़्यादा खास है नहीं, और ऐसे क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग तो कुछ भी नहीं है कंपनी के पास, 8% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग है, तो ऐसी कंपनी से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए दोस्तों। दोस्तों फिर मिलते हैं इसी तरह के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, ये जो मैं वीडियो बनाया ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज के लिए, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंड नहीं होगा शेयर लेने के लिए ना बेचेंगे दोस्तों। दोस्तों हम कोई सेबी रजिस्टर फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, तो अगर निवेश करते तो एक बार खुद से रिसर्च कर लो दोस्तों, और एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लो दोस्तों। ओके फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।